नमस्कार। आज हम निधिगर कलाकृति में एक किड्स क्राफ्ट लेकर के हाजिर हुए हैं जो हेलोइन से रिलेटेड है। हेलोइन अब विदेशों में ही नहीं हमारे देश में भी मनाया जाता है। इसके पीछे अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ जगहों पे माना जाता है कि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसल पक के तैयार हो जाती थी तो भूतों को दूर करने के लिए लोग ऐसे सजते थे। कुछ मानते हैं ये पूर्वजों को के आगमन के लिए है, तो जैसा देश वैसा भेस। तो चलिए, मैं एक नई जगह पर हूँ, अभी मेरे पास बहुत कम सामान है। जो भी सामान अवेलेबल है उसी से आज हम बनाएंगे कुछ हेलोइन से रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पर मैंने ये लकड़ी के टुकड़े लिए हैं, फॉयल नहीं था तो मैंने डबल रैप ले लिया है, पेंसिल है, ग्लू है और रबर बैंड है। इस लकड़ी के स्टिक के ऊपर मैंने इसको एक लॉलीपॉप की तरह से, ये जो बबल रैप था इसको लपेट दिया है। अगर आपके पास बबल रैप नहीं है कोई बात नहीं, आप फॉइल का इस्तेमाल करें। अब फेविकॉल में पानी मिलाएं और उसके अंदर टिश्यू पेपर को भिगा कर फिर उसे स्क्वीज करके उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और ये जो आपने लॉलीपॉप्स बनाए थे इनके ऊपर इस टिश्यू को डाल दें, जैसे हम उसे कवर करते हैं। ध्यान रहे आप अच्छा टिश्यू पेपर लें, बेटर होगा अगर आप फेस टिश्यू का इस्तेमाल करें, वो फटेंगे नहीं। देखिए, मैं एक और ट्राई करके दिखाती हूँ। आपने इस तरह से टिश्यू पेपर को डिप किया, ये पूरा नहीं करा है मैंने, पर आप इसको पूरा डिप करें और फिर इन जो लॉलीपॉप बॉल्स हैं इनके ऊपर इसको टिका दीजिए। इन सारी स्टिक्स को मैंने थर्मोकोल पे गाड़ रखा है जिससे कि ये गिरे नहीं, और अब हम इनको इसी तरह से सूखने के लिए छोड़ देंगे। बहुत कम सामान, सिर्फ आपको टिश्यू पेपर चाहिए, फॉइल चाहिए, रबर बैंड या धागा चाहिए और फेविकॉल चाहिए। ओह माय गॉड, देखिए मेरे ये स्कूपी घोस तैयार हो चुके हैं। जब तक ये सूख रहे हैं चलिए तब तक एक पम्पकिन पेंट कर लेते हैं। पम्पकिन सजाने की बहुत प्रथा है, जगह जगह पम्पकिन तैयार हो चुके होते हैं, इसके लैंटर्न्स बनाए जाते हैं। फिर जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ थर्मोकोल के ऊपर पम्पकिंस ड्रॉ करे हैं और ये एक विच हैट बनाई है, इसको भी पेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा स्कूपी, थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा गोस्टी लगना चाहिए, ये थोड़े से कलर के स्ट्रोक्स इसके दांत पर और ये एक क्यूट सा घोस्ट। क्यूट है ना। तो ये बन के तैयार है, अब इनको हम स्टिक में से निकाल लेंगे। देखिए, क्योंकि इन्हें हमने फेविकॉल के अंदर डिप किया था इसलिए ये टिश्यू पेपर आपके हार्ड हो गए हैं और ये इसी शेप में खड़े रहेंगे। माय गॉड, अब इनकी आंख बना देते हैं स्केच पेन की मदद से। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, मैंने एक आंख छोटी एक आंख बड़ी बनाई है, अलग अलग स्टाइल से इनके मुंह बनाइए। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। ओह, ये फट गया था तो मैंने उसका मुंह बना दिया। तो ये आपके स्कूपी घोस्ट तैयार हैं। ये पम्पकिन भी सूख के तैयार हो गया है, मेरी ये विच हैट भी तैयार हो गई है और ये मेरे क्यूट से घोस राजा भी तैयार हैं। इन सब का एक सुंदर सा डिस्प्ले बनाएंगे। तो बस, लेट्स मेक दिस हेलोइन अ स्पूकी वन विद निधिगर कलाकृति। जुड़े रहें, थैंक यू।